नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है। रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है डेली स्टॉक एनालिसिस करके। 8 से 9 एपिसोड अभी तक करे हैं, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स का डिस्कशन करा है। तो डेली उसमें कुछ ना कुछ नए स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड उसमें अच्छा आउटपुट भी मिल रहा है। जो लोग देख रहे हैं उसको पता है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप वो रेगुलर देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के बारे में। सो निफ्टी 50 का चार्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट्स में, तो एक रेंज में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स पे आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करा था, इस जगह पे भी फेस करा था, यहाँ पे फेस करा था। नाउ इस जगह पे यहाँ पे स्टॉक्स पहुंच गया है 17720 के आसपास, जहां पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अगर यहां से ये क्रॉस करके ऊपर जाता है सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18100 के आसपास मिलेगा, जो ये वाला पॉइंट है। उसके क्रॉस होने के बाद यहाँ पे हम बहुत ऊपर जा सकता है, 18520 तक मूव कर सकता है। बट यहाँ पे इनिशियली आप देखेंगे तो इस जगह पे जो ये जो एरिया है, मैं ड्रॉ करके आपको वो दिखाता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, राइट? आप जूम करके देखेंगे, ये जो एरिया है पूरा रेजिस्टेंस एरिया, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा 18100 के ऊपर, तभी क्या है कि एक पोटेंशियल मूव देखने को मिल सकता है। सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट आप देखेंगे तो इस जगह पे है 16400 से लेके 16800 के बीच, यहां पे एक सपोर्ट एरिया है 16500 से लेके 16800, ओके। एंड 17700 से लेके 18100 ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां से एक रिवर्सल बन सकता है। अगर यहां पे कोई स्ट्रेंथ ना मिली तो यहां से एक लिटल रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये जो जोन आपको दिख रहा है यहां पे, तो वो क्रॉस कर लेगा तो वहां पे आपको और अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में आप ये लेवल यहां पे वॉच कर सकते हो 16500 से लेके 16800 का एक सपोर्ट लेवल है। एंड रेजिस्टेंस में आप देखेंगे तो 17700 से लेके 18100 के आसपास एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 18600 तक मूव होना चाहिए अगर 18100 क्रॉस करता है तो। अदरवाइज ये रेंज है हमारी, ओके, ये वाली जो मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं उस रेंज में मूव कर सकता। तो ये था निफ्टी का व्यू। अब मूव करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट्स देखेंगे तो एक वेज पैटर्न में यहां पे ब्रेकआउट हुआ था इस जगह पे। यहां पे आप देखेंगे तो वेज पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था एंड अभी स्ट्रेंथ यहां पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ यहां पे दिख रहा है। बट आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे दो हर्डल आपको दिख रहे हैं, तो आप एक्सटेंड लाइन करेंगे या फिर मैं आपको जोन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। 39500 के आसपास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, वहां पे मूव कर सकता है एंड उनसे ऊपर भी मूव कर सकता है। तो ये लेवल्स आप वॉच कर सकते हो। रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस कहाँ पे? 39500 39700 के बीच। सपोर्ट्स आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे आप अच्छा सा सपोर्ट आपको दिख रहा है इस जगह पे 37000 के आसपास, 37500 ये एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया है एंड ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया। तो आप ये लेवल्स वॉच कर सकते हो इंडेक्स में, जो काफी रिसेंटली अच्छा मूव यहां से मिला है दोनों इंडेक्स में।
बॉटम यहाँ पे 33,000 के आसपास बना था, वहां से यहाँ पे 6,000 का मूवमेंट देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। सेम निफ्टी में देखेंगे तो 15,200 से लेके 17,700 के आसपास एक अच्छा सा मूव देखने को मिला है। तो ये था इंडेक्स का व्यू। अभी जो डिस्कशन करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में जिसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला स्टॉक्स के बारे में। आज का जो पहला स्टॉक्स है वो है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का आप चार्ट देखेंगे, रिसेंटली ही उसका आईपीओ आया है। आईपीओ के बाद एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है एंड उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा था। एंड यहां पे आप ड्रॉ करेंगे लाइन, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। यहां पे लाइन आप क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ एंड अच्छा सा यहां पे मूवमेंट देखने को मिला, राइट। एंड आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये जो आईपीओ के बाद जो हाई लगा था वो यहां पे ब्रेक हो चुका है। सो आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा मूव कर सकता है। कहां तक मूव कर सकता है, 230-250 के आसपास मूव कर सकता है। एंड सपोर्ट यहां पे देखेंगे तो आप 180 से लेके 185 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट है। एंड अपसाइड यहां पे देखेंगे तो 230 से लेके 250 तक मूव कर सकता है। तो ये था पहला स्टॉक्स देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो काफी अच्छा यहां पे लग रहा है चार्ट्स में। डेली चार्ट्स में देखेंगे तो ब्रेकआउट क्लियरली हो चुका है, तो यहां पे एक सपोर्ट 185 से लेके 180 के आसपास है। तो ये आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या आप वॉच कर सकते हो। आज का जो दूसरा स्टॉक्स है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। तो ये क्रेडिट एक्सेस का आप चार्ट्स देखेंगे तो जो कोविड टाइम से पहले जो उसका हाई लगा था उसको क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 2 साल लगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत डाउन में चल रहा था, 2 साल बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है चार्ट्स में। तो यहाँ पे अभी चार्ट्स काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, मैं डेली चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ। तो अभी चार्ट्स इसका यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे जो 1155 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद यहाँ पे 300-500 पॉइंट्स का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट 940-950 का एक सपोर्ट है एंड अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे 300-500 यानी कि 1300 से लेके 1500 तक ये स्टॉक्स मूव कर सकता है। तो ये था दूसरा स्टॉक्स जो काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना है एंड अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही यहां से मूवमेंट आएगा 1155 को क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो आप ये स्टॉक्स भी वॉच कर सकते हो आने वाले टाइम में। ये था दूसरा स्टॉक्स। अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का आप चार्ट देखेंगे, मैं यहाँ पे मंथली चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। मंथली चार्ट्स में आप देखेंगे तो एक स्टॉक्स एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल, जो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट। तो ये एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है एंड इसमें भी एक पोटेंशियल है कि यहां से एक ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक्स भी यहां से 1300-1500 तक ये स्टॉक्स मूव कर सकता है एंड सपोर्ट्स यहां पे 600 से लेके 650 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट यहां पे दिख रहा है। तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिख रहा है जो आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आज हमने तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करा, देवयानी इंटरनेशनल के बारे में डिस्कशन करा, उसके बाद क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ऊपर डिस्कशन करा एंड लास्ट में भारत फोर्ज के ऊपर डिस्कशन करा है। तो आपको ये स्टॉक्स कैसे लगे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड ऐसे ही स्टॉक्स अगर आपने एनालिसिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में आपको अच्छे लग रहे हैं
एंड वो आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।